नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजप्शन ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जिसमें आपको कंजप्शन ऑफ मटेरियल के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स लिए हैं। हमारे पास जो पहला ग्रेड है वो है लो ग्रेड, जिसका रेशियो है 1:12 का। उसके बाद जो मैं दूसरा ग्रेड लिया वो है हमारे पास M7.5, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे पास तीसरा ग्रेड है वो है मेरे पास M20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो है M7.5 की वो है 1:4:8 की, और जो हमारे पास M20 की रेशो है वो हमारे पास है 1:3 की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटीज ली हुई हैं ये मैंने एस्टिमेट लगाया, खुद से अज्यूम की हुई क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर चाहे तो और कुछ भी ले सकते हैं। जो हम यहाँ पे यूनिट यूनिट कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे पास है क्यूबिक मीटर में, आप क्यूबिक फीट में भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्यूबिक मीटर में निकाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने यहाँ पे सीमेंट का निकाला है, इसमें मैं टोटली आपको डिवाइड करके दिखा दिए, आपको मैंने क्यूबिक मीटर में निकाल दिया, उसके बाद केजी में और बैग्स में भी निकाल दिया। साथ में जो सेंड होगा वो हमारे पास क्यूबिक मीटर में आएगा, और जो एग्रीगेट्स होगा वो भी मेरे हमारे पास क्यूबिक मीटर का आएगा। तो दोस्तों देखिए प्रोसेस क्या है। दोस्तों जो यहाँ पे मैंने वन लिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे सीमेंट का रेशियो है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। दोस्तों जो वन है हमारे पास वो हमारे पास सीमेंट का है, उसका जो हमारे पास यहाँ पे 6 है वो हमारे पास सैंड है, और उसके साथ ही जो हमारे पास यहाँ पे 12 है वो रेशो हमारे पास जो है वो है एग्रीगेट की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने यहाँ पे वन लिया हुआ है वो रेशो हमारे पास सीमेंट की है, तो हमें उसने क्या किया है। और दोस्तों यहाँ पे जो 1:12 है वो टोटल क्वांटिटी जो हमारी है वो आती है 19 प्लस करने के बाद में, ठीक है दोस्तों। रेशो को हम जब प्लस करते हैं हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो आएगी 19। तो मैंने सीमेंट के रेशो को डिवाइड किया 19, जो टोटल क्वांटिटी है हमारी लो ग्रेड की, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.54 से। दोस्तों ये वो वैल्यू है जिससे हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.54 से लेके 1.57 तक होती है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.081 क्यूबिक मीटर। और दोस्तों जो हमारे पास बैग होते हैं, सीमेंट जो होता है वो हमें मोस्टली केजी में या बैग्स में मापते हैं, तो हम जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो बैग्स में होता है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे किया हुआ जो हमारे पास क्यूबिक मीटर का जो वैल्यू आई हुई है उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है डेंसिटी से। दोस्तों जो 1440 है यहाँ पे वैल्यू जो है वो यहाँ पे है डेंसिटी, ठीक है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। जो है वो है हमारे पास 1440, और इसके यूनिट होते हैं दोस्तों केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो केजी में वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 116.64 केजी, और इस केजी को हम डिवाइड करने के दोस्तों आपको पता है एक बैग में 50 केजी होता है, तो हम इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल बैग की क्वांटिटी आएगी वो आएगी 2.33, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी बैग की क्वांटिटी निकल आएगी सीमेंट की। उसके बाद हमें यहाँ पे सैंड की वैल्यू निकालनी है, तो सैंड के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको 6 दिख रहा है वो है यहाँ पे हमारे पास सीमेंट का सैंड का रेशो, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया है 6 डिवाइड बाई 19 जो हमारे पास लो ग्रेड क्वांटिटी का 1:12 जो हमारी लीन होती है उसका टोटल सम है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.54 से। तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी हमारे पास 0.486 क्यूबिक मीटर। उसके बाद जब दोस्तों हम जब एग्रीगेट की वैल्यू निकालते हैं तो एग्रीगेट की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें सेम ही करना है, इसकी जो रेशियो है वो रेशियो कंसीडर करना है हमें, और उसको जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो 12 की है वो एग्रीगेट्स की वैल्यू आती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए लिख दिया। तो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ
रेशियो से जो है हमारे पास 19 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.454 से। ठीक है दोस्तों, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.97 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ आपको आपको दिखाता हूँ दोस्तों, हमें यहाँ पे करना है क्या, हमें यहाँ पे सेम फार्मूला लगाना है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सम होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों 1 4 8 का जो वैल्यू होगी वो बनेगी, टोटल सम बनेगा 13। ठीक दोस्तों, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में जो हमारी वो हमारे पास वैल्यू होगी दोस्तों 0.11 क्यूबिक मीटर 11.8। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11.18 को 1440 से। ठीक है दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 1440 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 170.58 kg। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें kg को क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 170.58 से। ये वैल्यू निकालनी है हमें दोस्तों बैग्स में। तो जब हम बैग्स में उसकी वैल्यू निकालेंगे, बैग्स में kg की वैल्यू बैग्स में निकालने के लिए हमें उसे डिवाइड करना है 50 से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3.41 bags। ठीक है दोस्तों, तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो हमारे पास 4 है वो है हमारे पास सेंड का रेशियो वैल्यू, उसे हम डिवाइड करेंगे 13 से। 13 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो दोस्तों वो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 0.47। और ये दोस्तों जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी क्यूबिक मीटर में। ठीक है दोस्तों, के साथ ही जब हम एग्रीगेट्स की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों, तो एग्रीगेट्स के लिए आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो हमारे पास है 8। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 को डिवाइड करेंगे हम टोटल सम ऑफ रेशियो से। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.54 से और जो वैल्यू आएगी वो हमारा आ जाएगा एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.54 से, तो वो आ रही है हमारे पास 0.947 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास M20 की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें, जो कि इसका एस्टिमेटेड जो हमारे पास निकाला हुआ हमने क्वांटिटी ली है अपने पास जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे जो दोस्तों आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये हमारी वैल्यू है 1 क्यूबिक मीटर की ये। ठीक है दोस्तों, इसको बाद में हम यहाँ पे 5.515 से इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा हमारी टोटल एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये जो मैंने निकाली है 1 की निकाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको ये साथ में ही निकाल के दिखा देता हूँ कि हमारी 5.5 की कितनी वैल्यू बनेगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इक्वल करके, क्योंकि दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं जो हमारी 1 क्यूबिक मीटर की जो वैल्यू है वो है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0.08 1 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.081 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5.15 से। जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी दोस्तों यहाँ पे 0.41 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये हमारी है 5.15 के लिए क्वांटिटी जो हमने निकाली, तो जो मैंने अज्यूम की वैल्यू वो है दोस्तों ये देखिए। उसके बाद ये तो हमारे क्यूबिक मीटर में, इसको हम जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास डेंसिटी है 1440। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 0.41 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1440 जो कि डेंसिटी है हमारी, तो वो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जब इसको अपनी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 50 से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी बैग्स में जो हमारी 5.15
15 के लिए जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5.15 के, जो मैंने अज्यूम की क्वांटिटी एस्टिमेट की, वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 12 बैग्स ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू निकली है सेंट की, जो हमारी वैल्यू निकली है वो निकली है 1 क्यूबिक मीटर की। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो मैं जब इसको करूँगा 5.15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.486 से, जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 2.34 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो सेम हमें भी यहाँ पे भी सेम ही करना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमारे पास वैल्यू है 5.15 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.97 से, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 4.99 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, होपफुली आप ये समझ गए कि मैंने ये लो ग्रेड का जो लीन है वो कैसे निकाला। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लो ग्रेड है उसको हम लीन भी कहते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा लीन कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो मैं साथ में यहाँ पे भी मैं जो किया वो सेम मैंने ये निकाला है, जो वैल्यू निकाली हुई यहाँ पे M7.5 के लिए, ये भी 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है जो मैंने अज्यूम किया वो अज्यूम किया 4.5। ठीक है दोस्तों, तो इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है, जो हमने यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाली है वैल्यू ये वाली, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है 0.118। और दोस्तों इसको फिर डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1440 से, और डिवाइड करना पड़ेगा 50 से, तो जो हमारी बैग्स में वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 15.29 बैग्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारी M7.5 ग्रेड के लिए वैल्यू आएगी सीमेंट की। और उसी के साथ सेम हमें यहाँ पे फार्मूला सेंट के लिए भी सेम लगाना है। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो निकली है 1 के लिए 1 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे 4.5 क्यूबिक मीटर के निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 0.47 को 0.5 को, हम यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू क्यूबिक मीटर में आएगी। और सीमेंट को हमने 200 सेंट को हमने क्यूबिक मीटर में लेना, जो कि वैल्यू हमारे पास 2.115 क्यूबिक मीटर हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, के साथ सेम हमें यहाँ पे फार्मूला एग्रीगेट के भी सेम लगाना है, जो हमारे पास 4.5 वैल्यू मैंने अज्यूम की उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0.947 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो हमारे पास आएगी 4.26 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जैक्ट पूरी यहाँ पे डिटेल निकाल के दिखा दी, आप इजीली इसको देख के अपना कोई भी एस्टिमेट की जो वैल्यू है कंजप्शन ऑफ मटेरियल वो आप निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको M20 के लिए भी निकाल के दिखा देता हूँ वैल्यू कि कैसे आपने करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सेम अभी ये शॉर्टकट में दिखाऊंगा आपको, मैंने डिटेल में पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा सीमेंट का रेशियो, उसको हम दोस्तों डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ M20 ग्रेड से, तो जो हमारा बनता है वो बनेगा सर 5.5। ठीक है दोस्तों, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1.54 से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी आ जाएगी क्यूबिक मीटर में। तो दोस्तों क्यूबिक मीटर को हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1440 से, जो कि डेंसिटी है सीमेंट की, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों ये केजी में आएगा, और इसको
हमें 50 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये हमारा बैग में आ जाए। तो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखा दूंगा जो कि हमारी बैग में होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, 1 को डिवाइड करके हमने करना, हमारा जो टोटल समय 5.5 है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1.54 से, फिर मल्टीप्लाई किया 1440 से और उसको डिवाइड किया हमने 50 से। तो दोस्तों जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास 8 बैग्स। दोस्तों ये जो 8 बैग्स है ये हम 20 के 1 क्यूबिक मीटर के लिए वैल्यू आई है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे जो हमने वैल्यू अज्यूम की है, अज्यूम की मैंने 7.8। दोस्तों 7.8 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारी वैल्यू आई होगी यहाँ पे 0.28 वैल्यू आएगी दोस्तों हमारी यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर की। ठीक है दोस्तों, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 14.40 से और इसको डिवाइड करना है 50 से। तो ये हमारा 7.8 जो वैल्यू मैंने अज्यूम की उसकी हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी बैग्स में जो भी होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 62.89 बैग्स। इसको अराउंड हम दोस्तों 63 बैग्स भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाने के लिए निकाल दिए वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम अभी करने वाले हैं मल्टीप्लाई दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट अभी करके दिखाऊंगा। जो हमारे पास 1.5 है ये है हमारे पास सेंड का रेशियो। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5.5 से और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से और उसके साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.40 से। यहाँ पे जो अज्यूम की वैल्यू मेरी व्यू है 7.87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 से। ठीक है दोस्तों, तो जो वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्यूबिक मीटर में निकल आएगा। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू करने के बाद वो आ रही है 3.276। ये दोस्तों ये जो हमारे पास वैल्यू है दोस्तों, ये हमारी टोटल वैल्यू है 7.8 जो मैं यहाँ पे अज्यूम की वैल्यू उसकी के साथ। हमें यहाँ पे दोस्तों जो 3 है वो हमारा रेशियो है एग्रीगेट्स का, उसको डिवाइड करेंगे 5.5 से जो टोटल वैल्यू हमारी, के बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है हमें दोस्तों 1.54 से, उसके साथ सेम इसको मल्टीप्लाई करना है 7.8 से, क्योंकि यहाँ पे 7.8 मैंने यहाँ पे वैल्यू अज्यूम की है। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी हमारे पास 6.55 क्यूबिक मीटर। ठीक दोस्तों, इसके जो यूनिट होंगे वो क्यूबिक मीटर होंगे, यहाँ पे भी यूनिट क्यूबिक मीटर होंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे आप होपफुली समझ गए होंगे कंजर्प्शन मटेरियल कैसे निकालनी है आपको। दोस्तों यहाँ पे हमें टोटल अपनी सीमेंट की वैल्यू लिखनी है जितनी भी है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास है 12 15, मतलब 27 27 और हमारे पास ये 63 है ऑलमोस्ट, ये 70 80 बैग्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे पास 80 बैग्स ऑफ सीमेंट आ गए। उसके बाद जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी है वो है हमारे पास स्टार्टिंग में 2.34। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है सीमेंट सेंड की वो हमारे पास यहाँ पे है 7.72, इसको मैं टोटल 7 ले लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो एग्रीगेट्स की वैल्यू आएगी दोस्तों वो हमें यहाँ पे लेनी है। एग्रीगेट्स की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे 4.99, उसके बाद 4.26, उसके बाद है हमारे पास ये 6.55 जो कि हमारे 15.8 आ रही है। मैं इसको 16 दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास यूनिट होंगे यहाँ पे होंगे हमारे पास सीमेंट के लिए होंगे हमारे पास बैग, और बाकी दो चीज़ों के लिए हमारे पास क्यूबिक मीटर में। ठीक है दोस्तों, बैग कैसे दोस्तों, यहाँ पे सीमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 328 रुपीज़, और अभी ये
363 हो चुकी है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1200 रुपये है हमारे पास, एंड की और एग्रीगेट की भी सेम वैल्यू हमारे पास 1200 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मल्टीपाई जब करते हैं, जो हमारे पास 80 बैग ऑफ सीमेंट है तो उसको हम 363 से जब मल्टीपाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे 29040 जो है वो वैल्यू आ जाएगी 29040 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो जो हमारे पास सेंड की जो वैल्यू निकलेगी, रेट निकलेगा, वो निकलेंगे 8400। ठीक है दोस्तों, और सेम वैल्यू 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ में, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो होगी हमारी 19200। 19200। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम टोटल क्वांटिटी इसकी निकाल सकते हैं, इसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, 8400 प्लस 19200 प्लस 20। तो ये दोस्तों हमारी जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 56640। दोस्तों ये वैल्यू सिर्फ मैंने आपको ऐसे एक ये प्रपोज्ड एक एज्यूम वैल्यू है, आप इस तरीके से अपनी कंजप्शन ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3 तरीके के ग्रेड दिखाए हैं, जो इनकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाई है। आप चाहें तो मैं आपकी अलग से बाकी ग्रेड के लिए भी निकाल सकता हूँ, बता सकता हूँ आपकी वैल्यू के लिए, आपको वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा वीडियो देखना है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करिए, मैं आपके लिए बना के दे दूँगा। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।